हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस OJPR यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज मैं ये वीडियो स्पेशली आप लोग के बनाया हूं, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करना है आज मुझे। तो इस वीडियो में लगातार आप इसी तरह से बने रहिए और देखते रहिए मेरे चैनल को, करिए सब्सक्राइब। नीचे आपको दिख रहा है रेड कलर का बटन और उसको दबा दीजिए, और उसके बाद आप जरूर इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो आज ये आपके लिए वीडियो बनाया हूँ, ये बहुत स्पेशली क्यों है ये मैं आज आपको पूरी तरह से बताऊँगा क्लियर करके। तो सबसे पहले आपको बताऊँ कि जो भी व्यक्ति अर्निंग करना चाहता है या जो भी व्यक्ति अर्न करता है ऑनलाइन, तो उसके लिए एडसेंस अकाउंट ज़रूरी नहीं है कि आप एडसेंस को ही यूज़ करें, क्योंकि एडसेंस अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़, बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस को क्लियर आउट करना पड़ता है। वो इतना आसान नहीं है इस समय में, प्लस आपको उसके लिए पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। तो मैं कुछ एक ऐसे अकाउंट्स के बारे में आपको बताऊंगा जहां से आपको पैसे भी खर्च नहीं करने हैं और आपको अर्निंग करनी है वहां से बहुत ही ईजिली। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। मतलब ये है कि आज मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूँ, ये आपको फ्री अर्निंग का तरीका बताने जा रहा हूँ। तो इस चीज़ का आप दिमाग में रखिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, तब आपको जाके पूरी तरह से ये क्लियर समझ में आएगा कि कैसे क्या होता है। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत समझ में आती है या लगता है कि मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में आइए, वहाँ पे राइट कीजिए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको वहाँ पे क्लियर आउट करूँगा। तो आपको इस, चलिए मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले, फिर आगे की बातें बाद में करते हैं। सबसे पहले आपको नाम बताऊं कि आप किस वेबसाइट से, जिस तरह का एक एडसेंस प्लेटफॉर्म है उसी तरह से एक एडस्टेरा प्लेटफॉर्म है और उसी तरह से एक पॉप एड्स प्लेटफॉर्म है। होते तो काफ़ी सारे हैं, बट मेरी रिसर्च मैंने इसको फाइंड किया, प्रैक्टिकली जब मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया तब मैंने को ये चीज़ पता चली कि एडस्टेरा और पॉप एड्स क्यों बेटर हैं, मगर एडस्टेरा और पॉप एड्स में पॉप एड्स सबसे ज़्यादा बेटर क्यों हैं। तो चलिए मैं इस चीज़ को क्लियर आउट करता हूँ। तो सबसे पहले आप कर लीजिए सब्सक्राइब और उसके बाद मैं करता हूँ आप शुरुआत। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि मेरा देखिए एडस्टेरा है, आपको लिखना है एडस्टेरा, और सेकंड इधर आप देखेंगे पॉप एड्स। इधर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में मैंने पॉप एड्स ऑन करके रखा है, मतलब ये एक प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट है, और यहाँ पे भी मैंने एडस्टेरा ओपन करके रखा है, ये भी एक वेबसाइट है। एडसेंस मैंने क्यों नहीं किया वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, बट आपको समझाने के लिए एडसेंस भी मैं यहाँ पे आपको ओपन कर दे रहा हूँ, ताकि आपको यहाँ से भी क्लियर आउट हो जाए कि एडसेंस का भी क्या सिस्टम है। तो मैं आपको क्लियर समझाऊंगा कि बेस्ट कौन सा है और क्यों है और किस लिए है। तो इस चीज़ का आपको मैं काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दूंगा। तब तक ये ओपन हो रहा है, मैं चलता हूँ एडस्टेरा में। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि मैं यहाँ पे अपना एक पेज भी खोल लूँ, ताकि आपको ये समझा पाऊँ कि अर्निंग कैसी होती है और किस तरह से आपको करना है। हो सके तो मैं इस वीडियो में अगर सारा चीज़ कवर नहीं कर पाऊँगा तो आप इस चैनल को छोड़िएगा मत, आने वाली वीडियोज़ में आप दिखेगा, उसमें एक एक करके मैं समझा पाऊँगा पूरी चीज़ को आपको, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कंटेंट्स कुछ लॉन्ग हो जाते हैं तो मैं आपको उस चीज़ को नहीं समझा पाता। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, कोशिश करूंगा कि इसमें खत्म कर दूं, बट हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकता हूं, क्योंकि मैं 5 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो क्यों नहीं बनाऊंगा ये भी मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सारे यूज़र्स काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फील ना करें, काफ़ी देर तक उसको ना देखें, क्योंकि सब यूज़र्स इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, 5 मिनट सफिशिएंट होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मैं जैसे कि अपना कोई भी एक फ्री एक ब्लॉग खोला, जैसे कि ब्लॉगर, आप गूगल का ब्लॉगर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं देखिए आपको दिखा रहा हूँ ब्लॉगर, आप ब्लॉगर लिखिए गूगल में और ब्लॉगर को ऑन कीजिए। जैसे हम ब्लॉगर ऑन करते हैं, ब्लॉगर का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर आउट कर देता हूँ। ये देखिए जिस तरह से ये मेरा ब्लॉगर है, यहाँ पे ब्लॉगर में मैं साइड में देखूँ ये मेरे काफ़ी सारे ब्लॉग्स हैं, जिसमें से मैं जाके अभी एक कोई सा भी उठाता हूँ। मैंने यहाँ पे उठाया लिस्ट ऑफ कोरोना वायरस का एक ऑप्शन उठाया, ये देखिए। तो अब जैसे कि मैंने व्यू ब्लॉग में क्लिक किया तो ये मेरा ब्लॉग खुल गया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ कोरोना टेस्ट सेंटर्स इन इंडिया कंट्रीज़, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारे ब्लॉग्स चल रहे हैं। ये देखिए ये जो सारा है कंटेंट ब्लॉग्स का मेरा, ठीक है। तो अगर आपको इसको देखना है तो आप क्या करेंगे, आप ऊपर जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पे लिखिए कोरोना वायरस टेस्ट सेंटर्स डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, या आप डायरेक्ट जाके गूगल में सर्च कर लीजिए, टॉप में लिखिए, गूगल सर्च में लिखना है उसके टॉप में लिखना है, जैसे कि हमें यहाँ पे लिख रहा हूँ कोरोना वायरस टेस्ट सेंटर्स डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। सेंटर्स में एस जरूर लगाइए, क्योंकि सेंटर नहीं है, सेंटर्स हैं। और हो सके तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक अवेलेबल है, वहाँ से क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। जैसे कि मैं अगर अभी ओपन किया हूँ अपने खुद के लैपटॉप में, तो ये यहाँ पे ऐड नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो अकाउंट इस पर खुला हुआ है और मैं एज अ खुद पब्लिशर हूँ, तो पब्लिशर कहलाने के हिसाब से मेरे सिस्टम में कोई भी ऐड नहीं खुलेगा। फॉर द एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पे साइड में आके,
और जैसे ही रिफ्रेश करूंगा मैं यहाँ पे, जैसे ही इसको मैं ड्रैग करूंगा तो यहाँ पे आप साइड में देखिएगा, यहाँ पे एक सिंबल दिखेगा। ये देखिए आपको दिख रहा है ये सिंबल, ये देखिए यहाँ पे ये जो सिंबल दिख रहा है ये ओपन नहीं होगा। देखिए मैंने इसको फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लिक किया, अब मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे साइड में अलग से ओपन हुआ पॉप एड्स, बट ये वर्क नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैं इसका पब्लिशर हूँ, मेरे में ये चीज़ नहीं खुलेगी। अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसी लिंक पर जाके क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ओपन हो जाएगा और फिर आपको वो चीज़ दिखने लगेगी जो एड्स चल रहे हैं। तो इसी एड्स का हमको मिलती है अर्निंग। तो ये कैसे मिलता है, ये किस तरह से मिलता है, ये कैसे हम करेंगे और किस प्लेटफॉर्म से करेंगे, वो मैं सारी चीज़ बताऊंगा कि उसमें के लिए आप एडसेंस बेस्ट है कि आपका पॉप एड बेस्ट है कि एडस्टेरा बेस्ट है, या ब्लॉगर में कैसे उसको कर रखना है और किस तरह से पेस्ट करना है और किस तरह से राइट करना है और किस तरह से एड्स को शो करना है, किस तरह से ब्लॉग बनाना है, ये सारी चीज़ मैं कंप्लीट बाय कंप्लीट आपको दिखाऊंगा एक एक करके वीडियोज़ में। और अभी इस वीडियो में मैंने सारी जो भी जानकारी दी है ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी था ताकि मैं आगे से अगर नेक्स्ट वीडियो से अगर कुछ चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको वो सारी चीज़ क्लियर समझ में आए, कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो सीधा सा मैं आपको सीधा कहूँ कि अगर आपको लगता है कहीं पर भी किसी तरह का डाउट तो आप करिए सीधा मेरे को नीचे कमेंट, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें 5 मिनट होने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी के बाद आगे से मैं इसको कंप्लीट एक एक करके आपको इस डिटेल बाय डिटेल समझाऊंगा। तो दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।